आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सरोगेट मूवी के बारे में। सरोगेट एक ऐसे मशीन होता है जो लोग घर से ही सिस्टम से कंट्रोल कर सकते हैं और अपने काम घर बैठे कर सकते हैं। तो चलो इसके बारे में शुरू करते हैं आज का एक्सप्लेन। तो हमारे वीडियो में बने रहिए अंत तक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। शुरू में देखते हैं कि एक लड़का जो अपने पिता से सरोगेट देने के लिए शुक्रिया बोलता है और वो दो लोग रहते हैं और वो दोनों वहाँ से डिस्को के लिए निकल जाते हैं। वहाँ एक लड़की के साथ जब बाहर जाता है तभी एक आदमी आकर उन दोनों को एक हथियार से मार देते हैं। मारने के बाद इसका तहकीकात करने के लिए टॉम और एजेंट जेनिफर पीटर्स जांच के लिए पहुंच जाते हैं। वहां पे टॉम को पता चलता है कि उस लड़के का सरोगेट रजिस्टर नहीं है, लेकिन लड़की का सरोगेट रजिस्टर रहता है। टॉम लड़की के ऑपरेटर से बात करने के लिए उसके घर जाते हैं, पर वो वहां पर मर चुका था, पर वो ऑपरेटर आदमी। और फिर वहां से वो दोनों घर आते हैं। टॉम अपने सरोगेट से बाहर निकल जाता है और वो अपने पत्नी से मिलता है। पत्नी सरोगेट में ही रहती है, वो दोनों डेली नहीं मिल पाते हैं, सरोगेट में ही मिलती है। उससे हॉलीडे के लिए पूछती है पर वो मना कर देती है। दूसरा दिन टॉम जो सरोगेट रजिस्टर नहीं था उनसे मिलने जाता है तो वो भी मरा हुआ रहता है। बाद में पता चलता है कि जो लड़का मरा हुआ था वो जारेट कैंटर सरोगेट के निर्माण प्रमुख डॉक्टर लियोनेल कैंटर का बेटा था और उसे कुछ साल पहले कंपनी से निकाल दिया था और इसके बाद उसे किसी ने नहीं देखा। पर दूसरा दिन उसका पता चलता है और टॉम और पीटर्स उससे मिलने जाते हैं। वो नहीं रहता है, उसके जगह पे उसका सरोगेट रहता है। उससे पूछता है क्यों आप किसी को जानते हैं जो आपके बेटे को मार सके? तो बोलता है मैं ऐसा किसी को नहीं जानता हूँ जो मेरे बेटे को मार सके।